बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मोम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल दाल माश की इजी सी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होती है। हम झटपट बहुत ही इजी तरीके से बनाकर रेडी करेंगे। दाल माश की टेस्टी सी रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, शुक्रिया। देखें, ढाबा स्टाइल दाल माश को बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम छिलके वाली दाल को लेकर पहले से भिगो कर रख दिया था। अब मैंने इसके सारे छिलके उतार के अच्छी तरह साफ कर लिया है। अब हम सबसे पहले कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और जो भिगी हुई दाल इसको कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। दाल को कढ़ाई के अंदर डालने के बाद अब हम मज़ीद 1 लीटर पानी और डालेंगे और इसको बॉयल होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख देंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे और 1 खाने का चम्मच भर का डाल देंगे नमक। देखें, दाल उबलना शुरू हो चुकी है, इसके ऊपर हल्की हल्की सी झाग आना शुरू हो चुकी है। अब हम स्पैचुला की मदद से इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से और एक छलनी की मदद से ऊपर से सारी झाग को उतार देंगे। हमने दाल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, इसको 70% बॉयल करेंगे। सारी झाग को देखें मैंने उतार लिया, दाल हमारी बॉयल हो चुकी है। अब हम इसको छान लेंगे और दोबारा से कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और डाल देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। इस दाल के अंदर ऑयल का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 1 कप ऑयल डाल देंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे और 1 खाने का चम्मच भर का डाल देंगे फ्रेश क्रश किया हुआ लहसुन। लहसुन को हल्का सा फ्राई होने देंगे, हमने लहसुन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसका हल्का सा कच्चापन दूर होने तक इसको फ्राई करेंगे। यकीन मानिए, दाल माश फ्राई इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होती है। आप मेरे कहने पर एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। आप बड़े बड़े होटलों से दाल माश खाना भूल जाएंगे, ये इतनी ज़बरदस्त बनकर रेडी होती है। देखिए, लहसुन को हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, इसका कच्चापन दूर हो गया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे, जहाँ पर मैंने 1 बड़ा प्याज लेकर भी कटिंग कर लिया था। आप चाहें तो प्याज को पीस कर भी डाल सकते हैं। प्याज को शामिल करेंगे, प्याज को भी लहसुन के साथ ही फ्राई करेंगे। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसको सॉफ्ट होने तक 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। देखिए, प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब जहाँ पर हम डाल देंगे 2 बड़े टमाटर मैंने लेकर उनको ग्राइंडर जार के अंदर डालकर पीस लिया था, टमाटरों को भी प्याज के अंदर शामिल कर देंगे और 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम मसाले ऐड करेंगे। अब हम शामिल करेंगे लाल मिर्च, जहाँ पर मैं 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का शामिल कर दूंगी और 1 टीस्पून भर का डाल देंगे हल्दी पाउडर। अब शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और 1 टीस्पून भर का डाल देंगे नमक। याद रहे कि नमक हमने दाल बॉयल करते हुए भी डाला था, 1 टीस्पून डाल देंगे। अब हम अच्छी तरह से सारे मसालों को भून लेंगे। देखें, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है, मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम एंड पे डालेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर फ्रेश क्रश किया हुआ अदरक। अदरक को हम बाद में डालेंगे, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर जाएगा दाल के अंदर। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने अदरक डालकर मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। अब हम शामिल कर देंगे दाल माश जो हमने पहले से बॉयल करके रखी हुई थी, इसको शामिल कर देंगे। अब जहाँ पर हम 4 से 5 मिनट तक दाल माश को मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे, जहाँ पर हमने कंजूसी नहीं करनी बुनाई में, अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। ढाबा स्टाइल दाल माश फ्राई एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होती है। ये देखें, माशाल्लाह से 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसी तरह दाल को मसालों के साथ बुनाई करते हुए। दाल हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्चें, जहाँ पर मैंने 10 से 12 सब्ज़ मिर्चों को लेकर कटिंग कर लिया था। मिर्चों को दाल के अंदर शामिल कर देंगे, 2 कप भर कर डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद अब हम दाल को अच्छी तरह से हिला लेंगे। आप दाल माश फ्राई को जब भी घर पर ट्राई करें तो सब्ज़ मिर्चों को पानी डालते वक्त ही डालें, इस तरह सब्ज़ मिर्चों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर दाल के अंदर जाएगा।
अब हम ऊपर से कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। दाल को अच्छी तरह से हिलाएंगे और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें कट लगा के डाल देंगे। हमने दाल को 70% पहले बॉयल किया था, अब हम इसको 10 से 15 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि जो थोड़ा बहुत कच्चापन वो भी दूर हो जाए। अब दोबारा से हम ऊपर से कवर कर देंगे, मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं, दाल हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम शामिल करेंगे गरम मसाला, जहाँ पर मैं 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर दूंगी और 1/2 टीस्पून डालेंगे सूखा धनिया कुटा हुआ, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर जाएगा। मसाले डालने के बाद अब हम दाल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यकीन माने इतनी ज़बरदस्त ही खुशबू आ रही है, आप जहाँ पर चाहें तो थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब हम शामिल करेंगे बारीक कटिंग किया हुआ सब्ज़ धनिया। आप देख सकते हैं कि एक एक दाना आपको दाल का खिला खिला नज़र आ रहा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त खिली खिली टेस्टी हमारी दाल बनकर रेडी हो चुकी है। अब सब्ज़ धनिया को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। धनिए को मिक्स करने के बाद अब हम ऊपर से कवर कर देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। ये देखें माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त खिली खिली दाल माश बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम करेंगे डिश आउट। मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी, आप दाल की लुक ज़रा चेक करेंगे कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई। अब मैं थोड़ी सी ऊपर गार्निश कर दूँगी, थोड़ा सा कटिंग किया हुआ अदरक, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया से गार्निश कर देंगे। उम्मीद है कि आपको जो आज की हमारी ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल दाल फ्राई की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।